हजारों हैं मंजिलें, लाखों हैं रास्ते, रुकना नहीं तू ये है तेरे ही वास्ते। आए आंधियां या तूफान सर पे आए, चलने में तेरे बस कदम ना डगमगाए। दुनिया में बड़ी है सबसे तालीम की ये दौलत, जीतेगा हर एक जंग तू इस ही की बदौलत। कोई ऐसी एक तू मिसाल कायम कर कि जिंदगी बन जाए तेरी एक दस्तावेज, दस्तावेज। होना क्या है, इतनी भीड़ भाड़, इतना ट्रैफिक, इतना शोर शराबा। ये सफा मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान लगता कि बस किसी हॉर्न की पी 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 पी, किसी हॉर्न का म्यूजिक पैं पैं। तो कहा किसने है इन किताबों से मगजमारी करने के लिए? बेगम, मगर मगजमारी नहीं करूंगा तो इम्तिहान में पास कैसे होऊंगा? वाह 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 मियां, कोई छोटा बच्चा ऐसी बात करे ना तो बंदा समझ भी जाए। अब 6 फुट का लंबा चौड़ा इंसान इम्तिहान पास करने की बात करे तब तो होलिया बेड़ा गरक। अरे मियाँ, 4 पैसे ज्यादा कमाओ तो दाल रोटी के साथ साथ कभी कभार सालन या गोश्त भी नसीब हो जाए। हाँ बेगम, उसी की तो तैयारी चल रही है भाई। देखो, पहले अंगूठा छाप था, फिर कॉपी पर थोड़े से शब्द और हिस्से घसीटने आ गए, अब वो सब तो हो गया। सोचा थोड़ी पढ़ाई और कर ली जाए, मिडिल पास कर लूंगा तो कोई ना कोई ठीक नौकरी मिल जाएगी। बस एक बार ये हो जाने दो, फिर देखना सालन गोश्त तो क्या मुर्ग मुसल्लम खाएंगे, मुर्ग मुसल्लम। ख्वाब देखिए ख्वाब। अच्छा जरा खैर, घर में ना आटा है ना चावल। अल्लाह बड़ा करीम है बेगम, तुम आज की रोटी की फिक्र करो, कल तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। जी हाँ, यकायक छप्पर फटेगा और ऊपर वाला उसमें से हीरे मोती बरसा देगा। तुम बैठे बैठे इन सड़ी हुई कॉपी किताबों में मगजमारी करो, बाकी तो सब ठीक हो ही जाएगा अल्लाह के फजल से। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ मीना, अगर पढ़ाई लिखाई में वक्त सरफ करता हूँ तो कामकाज भी छोड़ने रखा है मैंने। जो 4 पैसे कल तक कमा कर लाता था वो आज भी कमा कर लाता हूँ। 4 ही कमाते हो ना, 4 के 6 तो नहीं हुए। और महंगाई देखो, ताने देने से कभी बाज नहीं आओगी तुम। और इतनी नफरत ना मेरी कॉपी किताबों से, जिन्हें तुम सड़ी हुई कहती हो, तो ये लो, ये अपने चूल्हे में जला देना, कम से कम तुम्हारा ईंधन तो बचेगा। और ये लो 25 रुपए, 28 नंबर की झुग्गी वाले परचूनियों को आटे चावल का ऑर्डर दे आया था, हिसाब चुकता कर देना उसका। भाईजान, क्या हुआ अम्मी? अबू आपको इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? कुछ तुम रो क्यों रही हो अम्मी? कहाँ रो रही हूँ बेटा? नहीं, क्या हुआ भाभी जान, झगड़ा किस बात पर हुआ? कुछ नहीं परिता, हाथ धोने इसके भी खिला दे, खाना तैयार। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन भाईजान ने खाना खाया कि नहीं? गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आकर खा लेंगे। तू बैठ। तो ले भाई शो करते, ये रहे मेरे 10 रुपए। बस डर गया? अबे डरने की क्या बात है, ब्लाइंड में ही तो शो मांग रहा हूँ। अभी ले भाई, पत्ते तो मेरे छोटे हैं, दुग्गी दिग्गी और गुलाम, और ये है बेगम। एक मिनट गुरु, एक मिनट, पत्ते छोटे सही पर है तो एक ही रंग के, वो भी हुकम के। अबे चल उठा माल और मेरे साथ ना ये ड्रामे नौटंकियां मत किया कर। अरे सलीम आ बैठना यार, अबे पत्ते बांट यार इसके।
मैं नहीं खेलूंगा। ये क्यों खेलेगा, ये शरीफों की गिनती में जो आ गया है। ठीक है, अगर ऐसा समझना है तो ऐसे ही समझ लो, और कोई और मजाक सूझता है तो वो भी कर लो। अबे बड़े गुस्से में था यार ये, अबे घरवाली से लड़के आया है क्या? अबे तुझे क्या मतलब, तुझे ब्लाइंड चलना तो ब्लाइंड चल, या पत्ते बांट, समझा? भाभी, भाईजान का इतना भी क्या कसूर जो तुम इतना झगड़ती हो? हाँ हाँ, कसूर उनका क्यों होने लगा, सारा कसूर तो मेरा ही है। फरीदा, अल्लाह के फजल से तू जवान हो गई है, खूबसूरत इतने की हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। कभी सोचा है तेरे भाईजान ने कि जवान और खूबसूरत बहन को कब तक घर में बैठा के रखेंगे? अरे हाथ पीले करने के लिए कुछ रकम रोकड़ी चाहिए कि नहीं? और इनकी कमाई देखो, या तो खाने के लाले पड़े हैं, निकाह क्या खाक कर पाएंगे? क्या कुछ नहीं शहजादे, तू खा। तूने क्यों खाना बंद कर दिया? आई मैंने ऐसा क्या कह दिया जो खाना छोड़ दिया? तुम बहुत ज्यादती करती हो भाभी, जो भाईजान के साथ इतनी बुरी बातें करते हैं, वो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और तुम? हाँ हाँ करते हैं, लेकिन आधी मेहनत जो पढ़ाई में बर्बाद करते हैं उसका क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ ये मेरी प्यारी बन्नो, कि तुम्हारे भाई साहब दो दो घंटे तो जाकर उसके क्लास में बैठते हैं, जहाँ वो मास्टर साहब आते हैं बच्चे बड़े बूढ़ों सबको पढ़ाने के लिए, और फिर घर में आकर दो दो घंटे इन किताबों से माथा फोड़ी करते हैं। वो दस दस ग्यारह ग्यारह घंटे बाहर जाकर काम भी तो करते हैं। अरे जाते हैं तो जाते रहें, लेकिन तीन चार घंटे पढ़ाई में जो वक्त बर्बाद करते हैं उसका क्या? अरे वही टाइम अगर कमाई में लगाएं, थोड़ी रकम रोकड़ी ना जमा हो जाए। तुम्हारे साथ बहस करना फिजूल है भाभी। तू क्या जाने मेरी लाठो, फिकर तो मुझे तेरे निकाह की रहती है, खुसूर वारिस को ठहरा देती। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं मेरे जिगर तारे, बस यूं ही। अब रोटी क्यों नहीं खा लेती? तेरे अबू आ जाएंगे ना, फिर खा लूंगी, मिलकर ही तो खाते हैं हम दोनों। बड़े काम की मानी जाती। लिखो। अब आप लोग अपनी अपनी कापियां खोल लीजिए, और वो वाक्य मेरा मतलब जो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं आप अपनी अपनी कापी में उतार लीजिए, ठीक? और ये जो खाली स्थान है इनको कल अपने घर से अपनी अपनी कापियों में भर के लाना है, ठीक है? अच्छा, आप लोग अपनी अपनी कापियों में इसे उतारी, मैं अभी एक मिनट में आता हूँ। अरे सलीम, तुम यहां और इस वक्त सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मास्टर जी। मास्टर जी, चौथी पांचवी जमात तक की पढ़ाई तो आपने मुझे इतने अच्छे से कराई कि दूसरे स्कूल में जाकर मैंने आठवीं जमात तक की पढ़ाई इतनी तेजी से कर ली कि वहां के सारे मास्टर मुझे शाबाशी देने लगे। तो फिर? और अब आठवीं क्लास के इम्तहान सर पर आ गए। जानता हूं, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? इसमें परेशानी की बात तो है ना मास्टर जी। क्यों भला? घर में परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, और अब रात दिन ये भी चिंता खा जाती है कि मेरी कमाई तो कुछ खास हो नहीं रही है। और देखो सलीम, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसले से काम लेना चाहिए, पर अब कुछ ही दिनों की तो बात है, मन लगाकर पढ़ाई करो, इम्तिहान दो, और तुम्हारे पास होते ही मैं तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगा, और अगर चाहोगे तो मैं गुलाम हैदर साहब से बात करके तुम्हें कोई अच्छी सी ट्रेनिंग दिलवा दूंगा, और फिर तुम्हारी कमाई ही कमाई होगी। लेकिन मास्टर जी, नौबत यहाँ तक आ गई है कि मुझे आए दिन उधार मांगना पड़ता है, और देखे ना इस पढ़ाई लिखाई में मेरा कितना वक्त लग रहा है। देखो सलीम, जहाँ तुमने इतने दिनों गुजारा किया है वहां थोड़े दिन और सही, इम्तहान दो, और फिर देखो किस्मत तुम्हारा कैसे साथ देती है। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा यहाँ से तबादला हो रहा है, और हैदर साहब ने तुम्हें मेरी जगह यहाँ सेलेक्ट किया है, और आज के बाद मेरी जगह तुम यहाँ पढ़ाया करोगे। देखो सलीम,
तुम मेरे सबसे होनहार और अच्छे विद्यार्थियों में से एक हो। तुम्हें यहाँ पढ़ाने के साथ साथ पैसा भी मिलेगा और एक खुशी भी हासिल होगी। वो तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन देखो सलीम, त्याग, बलिदान, पढ़ाई और लिखाई, इससे जो खुशी हासिल होती है ना, ये और किसी भी चीज से हासिल नहीं हो सकती। और मैं तुम्हारा बड़ा होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते तुम्हें ताकीद करता हूं कि तुम किसी भी तरीके से ये आठवीं जमात जरूर पास कर लो। खाना तो खा लो जी, भूख नहीं। तो चलो, मैं भी नहीं खाती थी। तुम्हें खाने से किसने रोका? तुम ही ने तो। मैंने? तुम्हारे खाए बगैर खाया है आज तक? तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे परेशान हो क्या? था, अब कैसी परेशानी? क्यों? फैसला करके आया हूं। किस बात का? पढ़ाई छोड़ देने का फैसला, और अब इम्तिहान देने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे पुराने उस्ताद नसीब चंद ने भी भरपूर तरीके से इसरार किया है कि मुझे कम से कम आठवीं तो पास कर ही लेनी चाहिए। लेकिन तुमने पढ़ाई ना करने का फैसला किया है, क्योंकि मैं जन्म जली मुझली तुम्हें जली कटी सुनाती हूं। आराम करने दो अमीना, फिर काम पर जाना है। अच्छा उठो, ये तो लो। ये क्या? ये तो वो रुमाल है जो मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था। क्या है इसमें? ईंधन। ईंधन? तुम इन्हें मुझे जलाने के लिए दे गए थे ना? जानती हूँ मेरा कहा सुना तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये मत सोचो कि दिल ही दिल में मैं नहीं जानती कि पढ़ाई के लिए तुम्हारे दिल में कितनी कदर है। खुद तो क्या? यही कि खुद तो बस्ती और कमेटी के स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल करते हो, लेकिन अपना पेट काट काट कर अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, 12 जमाते पास कराई, और आफ्ताब क्या? आफ्ताब को भी अच्छे स्कूल में भेजना चाहती हूँ। किस लिए? आखिर किस लिए? मैं इन पर तो इतना ही जान पाई कि कितनी कदर है तुम्हारे दिल में तालीम के लिए, और जब दिल नहीं माना तो तुम्हारी किताबें लेके मस्जिद में मौलवी साहब के पास गई ताकि तुम्हारी कामयाबी की दुआ मांग सकूं, और उन्होंने कहा अल्लाह ने चाहा तो मेरे लिए क्या सलीम जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होगा। भाई आज का सबक तो यहीं पर खत्म होता है, पर आप सबके लिए गृह कार्य यानी घर से करके लाने वाला काम है, वो ये आप सबको अपनी अपनी कॉपियों में ये लिख कर लाना है
कि जब बरसात में जमुना नदी का पानी बढ़ने लगेगा तो हमें क्या क्या एहतियातें लेनी है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि पानी का लेवल कितने मीटर बढ़ जाएगा जब हम अधिकारियों से बात करेंगे, जिससे वो हमें ऐसी जगह दें जहां हम अपना सामान वामान लेकर के सुरक्षित रह सकें, ठीक है? समझ में आ गई बात? कल सब ले आएंगे? शाबाश, चलिए। सलीम, गुलाम हैदर साहब ने तुम्हें सोसाइटी के दफ्तर में बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है। आइए आइए सलीम साहब, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। भाई बहुत तारीफ सुनी है आपकी। कमाल करते हैं हैदर साहब, बंदा भला किस तारीफ के काबिल है। भाई मुझसे बेहतर कौन जान सकता है क्या क्या कमाल दिखा रहे हैं आप। बहुत अच्छे नंबरों से आपने मिडिल पास किया और जिस वर्कशॉप में मैंने आपकी ट्रेनिंग करवाई वहाँ के आप अच्छे मैकेनिक माने जाते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ से भी अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं। जी शुक्रिया। लेकिन एक बात। जी हाँ फरमाइए। सुनने में आया है कि हिंदी गणित वगैरह की जानकारी के साथ साथ कुछ आम चीजों की जानकारी में काफी मेरा मतलब है ज्यादा वक्त लगा देते हो। माफ कीजिएगा हैदर साहब, अगर अपनी बस्ती के रहने वालों को, अपने माहौल को स्वास्थ्यकर ढंग से, अपने घरों और गलियों को साफ सुथरा रखने के बारे में जानकारी देता हूँ या बस्ती की सुरक्षा के बारे में जानकारी देता हूँ तो इसे मैं जरूरत से ज्यादा वक्त सर्फ करना नहीं मानता, और वैसे भी इस सबके बिना तो उनकी तालीम अधूरी है। ठीक है, ये सब काम तुम इतने यकीन के साथ करते हो तो मुझे कोई हक नहीं है कि तुम्हारे इस काम में दखल अंदाजी करूँ। कीप अप योर गुड वर्क। मेरा मतलब है कि माफ कीजिए यादव साहब, इतनी अंग्रेजी तो आती है मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा, लीजिए बिस्मिल्लाह कीजिए। भाई वाह, इतना बढ़िया खाना। बढ़िया खाना खिलाने का वादा तो आपने किया था और खिला रही हूँ मैं, लेकिन पकाया है इसे आपकी प्यारी बहन ने। अजी बेगम, अपने इस बहन की खातिर तो हम अपना ये वादा पूरा नहीं कर सके। वो कैसे भाईजान? वो ऐसे फरीदा बानू की कोशिश तो ये थी कि मेरी कमाई बढ़ती तो हर हफ्ते बरकत अली के होटल के बढ़िया मुर्ग मुसल्लम लाता, लेकिन 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 क्या? लेकिन ये बेगम कि आजकल पैसे जोड़ने की फिक्र में लग गया हूँ। वैसे ये खाना भी कोई कम नहीं है बरकत अली के होटल के मुर्ग मुसल्लम से, क्यों फरीदा? शुक्रिया भाईजान, लेकिन आजकल ये पैसे जोड़ने की धुन क्यों? भाई ये भी बताने की जरूरत है क्या? अरे तेरा ब्याह नहीं करना है क्या? उसकी फिक्र तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। वो कैसे? वक्त आने पे पता चल जाएगा मैकेनिक साहब। क्यों? भाई बहुत खूब, आज तो क्लास में बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी काफी हैं। अब पहले आप सब मुझे अपना अपना नाम लिखवाइए। शकीला। शकीला। लीलावती। लीलावती। सुशीला। रमा देवी। सुशीला। रमा देवी। रजिया। किरण। किरण। अमीना बानो। अमीना तुम क्यों, कोई एतराज है? मास्टर की बीवी नहीं पढ़ सकती क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं पढ़ सकती, बिल्कुल। घबराइए नहीं मास्टर जी, गली नंबर 7 और गली नंबर 8 की सभी औरतों ने इकट्ठे स्कूल में दाखिला लेने का प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि हम बहनें एक संगठन बना रही हैं। संगठन? ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहनों जैसा कि आप जानती हैं कि इस संगठन को चलाने की सलाह हमें फरीदा बहन जो कि अच्छी पढ़ी लिखी हैं और इनकी बौझाई अमीना बहन ने दी। अमीना बहन आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बहनों जब मैंने अपने पति को पढ़ लिख कर तरक्की करते देखा तब मुझे लगा कि हम औरतें भी क्यों ना कुछ पढ़ लिख जाएं। वैसे ये संगठन बनाने का फैसला मेरी ननद फरीदा का था। बहनों हम सब एक दूसरे की दोस्त हैं, लेकिन हमने ये संगठन इसलिए नहीं बनाया है कि हम नेता लोगों को वोटें दिला सके, बल्कि हमने ये इसलिए बनाया है कि हम सरकारी संस्थाओं से कर्जा लेने की कोशिश करेंगे और हम उनसे सिलाई मशीनें भी खरीदेंगे और कढ़ाई और कसीदाकारी के लिए हम लोन भी ले सकेंगे। ये काम तो हम करेंगे ही, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी एक और काम है। वो कौन सा काम है फरीदा बहन? देखिए आज का ज़माना बहुत ख़राब है और हम सब औरतों को मिलकर अपने हक और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए।
हमें पुरुष जाति को दिखाना चाहिए कि औरत कमजोर नहीं है। हमें ये औरत अबला है जैसे शब्दों से नफरत होनी चाहिए। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम में कितनी ताकत है। अच्छा बहनों, अगली मीटिंग में आना मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा और बहनों को लेकर आना साथ। देखा शमीम, ये औरतें अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल यहीं कर रही हैं। हाँ वाकई यार, इसे तुमने फेंका है? हाँ बीबी फेंका है, कोई एतराज है क्या? उठाओ इसे। अब कूड़ा करकट उठा रही हो तो इसे भी उठा लो। इस जगह की सफाई हम पहले ही कर चुकी हैं, अब तो ये तुम्हें ही उठाना पड़ेगा शमीम अहमद। और ना उठाए तो? उठाना तो तुम्हें पड़ेगा। ये अच्छा नहीं हुआ। क्या भाईजान? ये शमीम और हफीज जिनसे आप ये संगठन वाली उलझ पड़ी, ये इस इलाके के नामी गुंडे हैं। है तो हुआ करे। आफ्ताब के आबू, आप भी तो क्लास में बताते हो कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। हम संगठन की औरतें मिलकर साफ सफाई करें, सारा गली मोहल्ला सफा करें, और ये गुंडे हमारा मजाक उड़ाएं, हमें परेशान करें, हम तो कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है भाई, जैसे आप। पर एक दिक्कत और भी। ओके? ये कि शमीम चाहे गुंडा हो चाहे कुछ हो, पर इसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। तो फरीदा जरा वहां जाओ। अच्छा भाई। शमीम के अब्बा ने अपने छोटे बेटे सुहेल के लिए पैगाम भेजा है, फरीदा का हाथ मांगा है। मुझे इस बात पर जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ। क्यों? अब मैथिलिक साहब, मेरा मतलब है मास्टर साहब, सुहेल बहुत अच्छा लड़का तो है ही, साथ साथ अपनी फरीदा को चाहने भी लगा है, अपनी फरीदा भी उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी है, तो पैगाम तो आना ही था। हाँ ये तो अच्छा हुआ, पर ख्याल रहे बेगम की शमीम से उलझना ठीक नहीं, गुंडा तो है ही और घर में भी उसकी चलती होगी। आप ना बहुत सोचा मत करो, पैगाम आया है तो हाँ भेज दो ना। वो तो मैं भेज ही दूंगा बेगम, पर हम अभी इस लायक हुए कहाँ हैं कि लड़की को इज्जत के साथ रुखसत कर सकें। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ ना, इस बात की फिक्र आप मत करिए। अब्बा आपने मुझसे पूछे बगैर उधर पैगाम तो भेज दिया, और सलीम ने हाँ भी भेज दी, लेकिन कुछ लेने देने की बात तय हुई या नहीं? भाई जान, शादी मेरी हो रही है, आप क्यों फिक्र करते हैं? वैसे भी मुझे उस घर से कुछ नहीं लेना है, इस बात का फैसला मैं फरीदा और उसकी भाभी दोनों को सुना चुका हूँ। अरे तू बेवकूफ है, तुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन हम भी तो नहीं मर गए ना यहाँ, हमें एक टीवी भी दरकार है और एक मोटरसाइकिल भी चाहिए, बाकी बाकी क्या? माफ कीजिएगा भाईजान, ऐसा कुछ नहीं होगा। कमबख्त, अभी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं अभी। तो फिर ये शादी भी नहीं होगी, अच्छी तरह समझ लेना। आदाब। भाभी यही है वो किताब, ऐसा इसे हमारे नाम में चढ़ा दे। हाँ तो बहनों, अमीना बहन आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बहनों आपने सुना है ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है जी? तो ये फरीदा और सुहेल जो हैं वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, और दोनों ने फैसला किया है कि शादी में कोई दहेज नहीं लेंगे। वैसे भी पढ़े लिखे लड़के के लिए तो दहेज की क्या जरूरत है भाई, अभी फरीदा को एक म्यूनिसपैलिटी के स्कूल में टीचर की नौकरी मिली है, तो जब अच्छा खासा कमाएगी तो फिर दहेज क्यों? वो तो ठीक है अमीना, लेकिन ये किताब देखिए, ये फरीदा मेरे लिए लाई थी लाइब्रेरी से, इसमें उन्होंने एक जुमला पढ़ा था मेरे सामने, जरा पढ़ के सुनाओ। तालीम ही औरत का सबसे बड़ा जेवर है, और तालीम ही औरत की सबसे बड़ी दौलत। जिस दिन मैंने ये जुमला सुना उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं जरूर पढ़ूंगी, और साथ साथ ये भी फैसला किया जैसा कि फरीदा खुद भी चाहती है, उसे दहेज दिए बिना इज्जत के साथ घर से विदा करूंगी। इस बात को तुम संगठन के सामने क्यों ला रही हो मीना, ये भी तो बताओ। वो इसलिए कि हम औरतों ने मिलकर फैसला किया था कि हम पुरुष जाति को ये बता देना चाहते हैं कि औरत किसी से कमजोर नहीं है। अब फरीदा जो कमाएगी सुहेल उतना नहीं कमाता होगा,
इसलिए उसके घर वालों की दहेज की मांग बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मीना। अगर उसके घर वाले नहीं मानते तो हम सब उनको मनाएंगे और उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। फरीदा, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा, फिर चाहे मुझे तुम्हें भगा कर तुम्हें ले जाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन तुम्हारी औरतों के संगठन ने जो फैसला किया है ना, उसमें जरा खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? तुम शमीम को नहीं जानती, खुद तो गलत काम करता ही है, बहुत से गुंडों का गिरोह भी पाल रखा है उसने। वो गुंडे क्या करते हैं वो सब हम देख लेंगे। तो देखो सुहेल, तुम अपने वादे से मत निकलना। अच्छा? दहेज एक लानत है। कोई दहेज नहीं है। दहेज एक लानत है। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ औरतों, वापिस चली जाओ वरना। वरना? वरना क्या? आप चुप रहिए भाभी साहिबा, मेरे आदमी भी तैयार है। अगर भाई जान या उनके किसी भी आदमी ने आपका या किसी भी बहन का बाल भी बांका किया तो मेरे आदमी भी तैयार है। सोहेल खामोश, तुम खुद एक पढ़े लिखे हो, समझदार इंसान हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए ऐसे दंगा फसाद करते, ऐसा नहीं होगा। समझदार है मास्टर, मास्टर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो अपनी बीवी को बोल इन औरतों को लेकर यहाँ से चली जाए। और ऐसा भी नहीं होगा शमीम, ये मुजाहरा शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, किसी को हक नहीं किसे रोका जाए। और अगर रोकू तो उधर देख। क्या हुआ? कुछ नहीं दीवान साहब, ये हमारे घर का मामला है, हम इसे आपस में ही निपटा लेंगे, आप जाओ। शर्म कर शमीम, तो इन निहत्थी औरतों पर वार करने की सोच रहा है, कमबख्त इनके हौसले तो देख, ये निडर होकर यहाँ आई हैं, और फिर इनकी मांग क्या गलत है? और तू कौन होता है भाई की शादी में मांग रखने वाला, जब स्वेल ही नहीं चाहता है कि दहेज हो, और फरीदा की भी यही मर्जी है, अनपढ़ जाहिल गवार, अगर तूने तालीम हासिल की होती तो आज तेरे सोचने का ढंग अलग होता। और सलीम मियाँ आप क्या कर रहे हैं? जाओ मियाँ काजी साहब को बुला कर लाओ, सारी बिरादरी मौजूद है, इससे बेहतर मौका और क्या होगा निकाह के लिए। क्या हुआ? अरे होना क्या है बेगम, फिर वही भीड़ भाड़ शोर शराबा, इतना सारा ट्रैफिक, कभी कोई गाड़ी सर्र से निकल जाती है तो कभी कोई हॉर्न म्यूजिक बजाता रहता है। हाय मियां सलीम, इस वक्त आप कौन सा किताबों से मगजमारी कर रहे हैं जो इतना परेशान हो रहे हैं? बेगम मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ भाई, मैं तो बेचारे सुहेल और फरीदा के लिए परेशान हूँ जो इस वक्त सुहाग रात मना रहे होंगे। हटो। कहाँ हटो भाई।